thank you to Mr. Chairman and the committee to invite me to join this fabulous event. Electron Diamond, in my opinion, is the industry for the future. You see that? It's made by the technologies, it's eco-friendly, and it should for the need of the new generations. And I'm very happy to learn that the industry, this kind of industry in India is expanding very fast and is adding a lot of value into the export market. This year, maybe it just start for 1 billion, and I'm very confident that the market maybe expand. And coming here to the expo is like an eye-opening event. I learned a lot of new things, and I'm looking for the way that our two countries can operate together, because you don't know that Thailand is one of the major exporting of the jewelry as well, but in the different ones is precious stone. India is famous for the diamonds, but I think that we will have some way to operate in the future. Thank you. Thank you. अभी एक मिलियन का है, लग रहा है कि फ्यूचर में ये इंडिया से बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा। थाईलैंड में कलोस्टोन है, इंडिया में डायमंड्स है। वो सोच रहे हैं कि सेमी प्रेशियस स्टोन और कलोस्टोन के साथ डायमंड का ज्वेलरी बन रहा है, फ्यूचर में लेबरों के साथ भी ज्वेलरी बनेगा। और इंडिया और थाईलैंड दो कंट्री के साथ कोऑपरेशन के साथ ये ज्वेलरी लेबरों की भी ज्वेलरी बहुत आगे बढ़ेगी। थाईलैंड हमेशा इंडिया के साथ है मदद के लिए और ज्वेलरी के साथ कलोस्टोन के साथ करने के लिए। फ्यूचर में थाईलैंड भी एक बड़ा मार्केट हो सकता है लेबरों का, और थाईलैंड के लॉन्ग मीन्स यंग जनरेशन भी ले सकने वाले हैं। जैसे अमेरिका में भी बढ़ रहा है, जैसे पूरे ग्लोबल में बढ़ेगा तो थाईलैंड में भी बढ़ेगा। तो थाईलैंड इज़ ऑल्सो रेडी इनके लिए। और इंडिया जैसे बढ़ रहा है लेबरों में, लेबरों की सीमा नहीं है और पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड को कवर करेंगे, तो थाईलैंड को भी उनके साथ ये रेस में आगे बढ़ना है, साथ में मिल के करना है। जैसे मैं थाईलैंड का एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक कंट्री है, दो एसोसिएशन, थाईलैंड एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन। इसे इंग्लिश में बोलता हूँ, वन कंट्री टू एसोसिएशन। तो जैसे इंडिया का एसोसिएशन, थाईलैंड का एसोसिएशन, दोनों सहयोग करके ये लेब्रोन के साथ, कलोस्टोन के साथ एक नई ज्वेलरी लाइन चालू करेंगे, जो पूरे वर्ल्ड मार्केट में कॉन्कर करेंगे और पूरे वर्ल्ड मार्केट को सप्लाई करेंगे। सर, ये एक्चुअल जो ये जो डायमंड है, जैसा हम लोग बोलते हैं एक डायमंड अमेरिकन डायमंड बोलता है, ये जो लेब्रोन डायमंड, ये क्या मतलब आप पब्लिक हाँ सर, ये जो डायमंड जो है ना, ये इसके बारे में बताइए, मतलब किस तरह का डायमंड है। जैसे हम लोग बोलते हैं यूएस डायमंड लोगों के लिए, जो पब्लिक के लिए, इंडियन के लिए या तो लोगों के लिए, कि किस तरह के डायमंड है। मैं शशिकांत डायमंड, आपने जो सवाल पूछा कि कैसे डायमंड है, डायमंड एक भी होता है जो जमीन में से निकलता है। साइलेंट प्लीज। जो जमीन में से निकलता है, जिसको बनने में 400 से 4000 साल लगता है, जो अपनी कुदरती धरती इसमें से अपने को उछाल के देती है, तो विश्व को सबसे पहला डायमंड देने वाला, हीरा देने वाला देश अपना हिंदुस्तान ही है। जो गोलकोंडा में बोला जाता था हैदराबाद की साइड पर, तो जाते जाते वो अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होते गया। लेकिन वो डायमंड सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही था, राजा महाराजा और रानियों के लिए था, बाद में बड़े बड़े सौकार आए उनके लिए था। जाते 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 अमेरिका की शोध के अंदर अमेरिकन डायमंड बना, जो मेड ऑफ प्लास्टिक, बाद में आया सीजेड, कभी ज़िरकोनिया, उसके बाद आया ओज़ोनाइट, सिलिकॉन कार्बन। तो ये जो लेब्रोन डायमंड है, ये डायमंड में से ही डायमंड बना, मशीन में उका बना नहीं है। आपने खेती के अंदर, खेत बाड़ी के अंदर गेहूँ डाला, वो गेहूँ उगा, जिसके अंदर भी ये डायमंड के अंदर भी जो डायमंड का कण है छोटा, उसको ही मशीन में छोड़ा। और जो धरती के अंदर, जमीन के अंदर, माइंस के अंदर, खान के अंदर जो तापमान दबाव मिलता है, वो ये मशीन में मिलाया जाता है। और जो 400 से 4000 साल लगता है, ये 35 से 40 दिन में वो डायमंड के बाहर आता है।
फिजिकली केमिकली ऑप्टिकली सेम प्रॉपर्टी, इसका सर्टिफिकेट भी आता है जिससे नेचुरल डायमंड का सर्टिफिकेट आता है, GIA, IGI, HRD, SGS ये सब देते हैं, लेकिन वो व्हाइट कलर का था उसके अंदर लिखा जाता है डायमंड। और हमारे डायमंड के अंदर भी सर्टिफिकेट आता है लैब ग्रोन डायमंड, डायमंड शब्द है, बाकी किसी को डायमंड शब्द मिला नहीं है, और वर्ल्ड ने विश्व ने इसको मान्यता दे दी है, अपने देश में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी इसको मान्यता दी है, और अपने कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने इसके लिए बहुत बढ़ावा देने का आयोजन किया है कि एक ये अगर बने और बैंकॉक के साथ भी हमारे संबंध बढ़े तो हम दोनों मिल के रत्न और हीरा का भी ज्वेलरी पूरे विश्व में दे सकते हैं, इससे अपने देश में ही बनेगा, अपने देश में ही तलाशा जाएगा, वो अपने देश से हम विदेश में भेजेंगे तो अपने लोगों को अपने कारीगरों को काम मिलेगा, अपने अपना पैसा अपने देश में रहेगा। जैसे कच्चा डायमंड हीरा लाता है तो हम इम्पोर्ट करते हैं, तो अभी इम्पोर्ट नहीं है, हमारे खेत में ही होगा, तो अपने देश को फायदा होगा, अपनी जनसंख्या को इसका फायदा। दूसरी बात, अभी बी प्लस 18 साल की लड़की से 35 साल की बहन को ये डायमंड खरीदने का दिल है वो साकार होगा कि इसकी कीमत नेचुरल डायमंड से करीबन 40-45% कम है। तो जैसे आपको ये डायमंड लेना है तो वो डायमंड लेने जाओ तो लाख रुपया बोलेगा, लेकिन ये डायमंड 50,000 मिले तो आप अपनी घरवाली को बोलेंगे ये दीपावली को मैं आपको एक डायमंड तो दिला सकता हूँ। ये जो है इसके अंदर जैसे एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है जिसको हम नेचुरल डिलीवरी कहते हैं, बाद में आता है सीजेरियन, बाद में आता है IVF, वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है क्लोनिंग बेबी, ये डायमंड भी क्लोनिंग बेबी के जैसा ही है। क्लोनिंग बेबी बेबी का सर्टिफिकेट के ऊपर हिंदुस्तान की सरकार भी ले लेती है कि उसका जन्म कैसे हुआ है, लेकिन हम तो हमारा डायमंड कैसा होगा है लैबोरेटरी के लोग है सर्टिफिकेट में लिख के अपने कस्टमर अपने ग्राहक को कहीं पे भी अविश्वास न हो, विश्वासीय पात्र बन के हम उसको भेजते हैं, वो इंडस्ट्री कहाँ जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। आज 2022 में आज हमारा दूसरा शो है, आप सब लोग आए सवाल पूछते हैं तो खुशी होती है कि आपको भी कितनी जानकारी लेनी है, तो हम पूरे देश की जनता को ये समाचार देते जाते हैं एक प्योर डायमंड है, ब्लड डायमंड नहीं है, एक ग्रीन डायमंड है, इससे कोई आपको नुकसान नहीं है, आपके लिए कोई भी छोटी से छोटी लड़की भी एक 10 सेंट का हीरा लेके अपनी बना सकती है, इससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर सोना खरीदना आसान है, लेकिन डायमंड खरीदना सस्ता हो जाएगा। लेकिन अभी हर किसी का सपना पूरा होगा कि मेरे पास भी एक हीरा है। अच्छा, I want to add something. Thank you. थाईलैंड, हम लोग थाईलैंड के भी प्राउड से हैं कि वी वर द फर्स्ट पीपल हु केम टू इनोग्रेट द फर्स्ट फेयर, नाउ वी आर द सेकंड टाइम आल्सो वी हैव डन द इनोग्रेशन ऑफ द लैबोरेटरी डायमंड। वी थिंक दैट ज्वेलरी मार्केट इज द थर्ड लार्जेस्ट ज्वेलरी मार्केट इज थाईलैंड, द लैबोरेटरी डायमंड विल बी कमिंग टू थाईलैंड टू मेक ज्वेलरी एंड सेल इट टू अमेरिका। मेरा लास्ट स्टेटमेंट है, with the lab grown diamond this will become the luxury diamond is going to be the most affordable luxury for every woman in India and the world. Thank you.